सब्सक्राइब कीजिए कैरियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटी के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो SSC GD की वैकेंसी है उसके बारे में। दोस्तों SSC की तरफ से लगभग 58,000 से ज़्यादा पोस्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, इनका फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो आपको जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूं कि ये वैकेंसी के भरने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और अन्य क्या क्या चीज़ें इस वैकेंसी से रिलेटेड उसमें क्या क्या हैं, क्योंकि ये वैकेंसी से पुरानी वैकेंसी है जो कि अब जो है फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हुआ है। तो हम सारी चीज़ें डिटेल्स में इसके जानेंगे, इस वैकेंसी के बारे में तो हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वैकेंसी से रिलेटेड डेली वीडियोज अपलोड करता हूं। तो हम इस वैकेंसी के बारे में सबको डिटेल्स में जानने के लिए आपको ले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां पे सब कुछ समझा के आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की तरफ से जारी किया जाने वाला फॉर्म GD का फॉर्म है। दोस्तों फॉर्म भरने की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी वाली, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, यहाँ पे आके आप यहीं से वैकेंसी के बारे में सब कुछ देख सकते हैं, यहीं से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फॉर्म है GD का फॉर्म है, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस, CISF, CRPF, SSB, ITBP, NIA और अदर पोस्ट के जो फॉर्म है इसमें जारी किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पे अगर हम डेट्स की बात करें तो ये जो फॉर्म जो भरा जा रहा है ये 21 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 20 अगस्त और इसकी एग्जाम फी पेमेंट करने की 20 अगस्त ही रखी गई है और लास्ट डेट कंपार्टमेंट फॉर्म भरने की 20 अगस्त है। एडमिट कार्ड जब अवेलेबल हो जाएगा तो आपको मेरी साइट पे sarkarijobfund.com पे अपडेट कर दिया जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए ₹100 फीस रखी गई है, SC ST के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है और फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं रखी गई है। आपको एग्जामिनेशन फी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से पे करनी है। यहाँ पर दोस्तों 54,953 पोस्ट की वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे 54,953, जिसमें आपको GD की पोस्ट है वेरियस पोस्ट में, जिसमें आपको मेल और फीमेल की वैकेंसीज हैं। मेल की वैकेंसीज हैं 47,307, फीमेल की है 7,646। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th पास मांगा गया है इसमें आपको, यहाँ पे 12th पास सीरीज लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 21 साल और एज 1/8/2018 को एज काउंट होगी। एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता है OBC और SC ST वालों को वो मिलता रहेगा, OBC वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल। तो आप देख सकते हैं कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिए गए हैं, जिसमें आपको हाइट रखी गई है। जनरल OBC ST वालों के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर रखी गई है मिनिमम, ST वालों के लिए 165 सेंटीमीटर ये मेल की हाइट है। चेस्ट जो है 81 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है मेल के लिए और ST मेल के लिए 76 से 80। फीमेल के लिए जो हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर मिनिमम, जनरल OBC ST वालों के लिए, ST वालों के लिए 155 सेंटीमीटर। यहाँ पे रनिंग भी रखा गया है, जिसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग जो है 6 मिनट में कंप्लीट करनी है मेल के लिए, फीमेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग जो है 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। हाई जंप यहाँ पे रखा गया है, 3 फीट 9 इंच का हाई जंप रखा गया है और 3 फीट का हाई जंप फीमेल के लिए रखा गया है। लॉन्ग जंप रखा गया है 14 फीट का मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 फीट का रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स वाइज वैकेंसी डिटेल्स हैं, जिसमें आपको BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA, SSF, तो यहाँ पे अलग अलग जो है सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है इसमें BSF में है, जिसमें आपको 14,436 और OBC मेल के लिए और फीमेल के लिए 2,548। उसके बाद CISF में पोस्ट है, CRPF में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है 19,972, यहाँ पे देख सकते हैं CRPF वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो है CRPF के लिए यहाँ पे पोस्ट है। SSB के लिए 6,521 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 2,025 पोस्ट है। ITBP के लिए जो है 3,507 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 619 पोस्ट है और AR, NIA और SSF के लिए यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। वेबसाइट के थ्रू आइएगा जो है इस लिंक के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको खुद यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने की लिंक आपको एक्टिव हो जाएंगे 21 तारीख को, अभी जो है कल, तो फॉर्म कल से आप भर सकते हैं। उसके बाद चीज़ें यहाँ पे मैंने सबको समझा दिया आपको, ये ऑल इंडिया लेवल का फॉर्म है तो कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो आप इस फॉर्म को भरिए, यदि आप 12th पास हैं और एक GD की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
जिसमें आपको जनरल ड्यूटी होता है, जिसमें बीएसएफ सीआरपीएफ अलग अलग जो है, ये आर्मी जो है, इसमें जो है नौकरी करने का अवसर मिलता है। तो इसके इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू, मैं आपको इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस वेबसाइट पे आइए, आप देखिए, और यदि आप सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम वेबसाइट को नहीं देखते हैं तो इस पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम को। तो इसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे देखिएगा दिन में 3 से 4 बार, क्योंकि यहाँ पे सारे फॉर्म आपको मिलते हैं। इसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब के नाम से। जैसे सरकारी जॉब के नाम से सर्च करेंगे तो वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगी, तो आप जो है इस वेबसाइट को जरूर देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।